कुसुम गोयल चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। और इस वक्त जो सोनाली फोगाट की जो गोवा में हार्ट अटैक से निधन हुआ, उसकी गुत्थी जो है वो लगातार उलझती हुई नज़र आ रही है और लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। सभी आप देख सकते हैं, सबके चेहरे भी उतरे हुए हैं। तो उनके भाई हैं हमारे साथ, उनसे पहले बातचीत करेंगे। जी, अपना नाम? वतन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या कुछ अब तक इसमें अपडेट निकल कर आया है। सर, पहले कह रहे थे कि पोस्टमार्टम के लिए मतलब मान नहीं रहे थे परिवार, अब मान गए हैं, किन शर्तों पे माने? सर तो कुछ नहीं है, पहले हम यही कह रहे भी FIR लॉन्च करो, दो लोगों के नाम लिए थे उनको भी अरेस्ट करो, उनसे पूछताछ करो कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वहाँ का कानून कैसा है, क्या है। तो वो वहाँ के अधिकारियों से बात करी, उन्होंने कहा भी आप पहले पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद हमें आगे कार्रवाई हम करेंगे। जी, गोवा के कानून के हिसाब से तो पहले मतलब पोस्टमार्टम होता, फिर FIR दर्ज की जाती है। जहाँ तक हमें जो बात पता चली है बस यही है जी। तो फिर अब यहाँ पर सब कब तक आने की उम्मीद है? आज रात तक टाइम से, जो भी देखो पोस्टमार्टम में कितना टाइम लगेगा वो तो डॉक्टरों को पता है जी, रिपोर्ट कब आएगी, वहाँ से आने में भी टाइम लगेगा। आज का टाइम तो सारा निकल ही जाएगा जी, आज का दिन तो। यानी कि अंतिम संस्कार तो कल को ही होगा? हाँ, कल को ही। तो आप भाई हैं उनके, आपसे कभी ऐसी बातचीत हुई हो पहले? कभी ऐसा शक हो, आशंका हो कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बात तो रोज ही होती थी, काम को लेके लोगों की समस्याएं सुननी, फैमिली काम को ले काम बात तो होती रहती थी। जो सुधीर सांगवान पी ए बताए गए हैं, उन पर किस तरह से मतलब जो है शक जताया जा रहा है? शक इसलिए कि मेरे पास कल सुबह उनका फ़ोन आया, करीब बच्चों का स्कूल जाने का टाइम था, मैं सो रहा था, मेरे को टाइफाइड था, टाइम नहीं देखा मैंने, करीब 8-1 बजे का टाइम था। तो वो उनसे बस इतना ही फ़ोन आया, अभी सोनाली जी का हार्ट फेल हो गया, वो नहीं रहे। मैंने काफ़ी टाइम बाद उनको फ़ोन किया, अभी हुआ क्या ये तो बताओ। फिर वो कहता है अभी उनको मैं 7 बजे देखा, उनको सांस नहीं आ रही थी, वो फ़ोन करता है मेरे पास 8 बजे। देखो अगर उसको कोई प्रॉब्लम थी वो सबसे पहले हमें फ़ोन करती थी। सोनाली जी को पता नहीं क्या हुआ है, उनको मौका नहीं लगा कि बात नहीं करने दी, क्या कुछ तो है उनके साथ, नहीं तो वो एक मिनट में फ़ोन करती है। एक और ये भी बात निकल के आई कि वो सुधीर शायद ये कह रहे थे कि शूटिंग वगैरह के लिए गए हैं, लेकिन मामला ये निकल के आया कि जैसे सारी बातें तो हम पूछ भी नहीं, जैसे उनको बाहर ही जाना होता था, चंडीगढ़ दिल्ली शूटिंग के लिए, तो बात ऐसे तो मेरे साथ बात हुई थी 26 को गाँव आना है, घर पे आएंगे, होगा शूटिंग का लेकिन नहीं होगा, वो तो उनको ही पता क्या था। लेकिन सुधीर का जब फ़ोन आया तो दोबारा बात की, जब वो कह रहा था भाई 2 बजे उनकी तबीयत खराब है, अगर 2 बजे तबीयत खराब है तो उस टाइम क्यों नहीं बताया हमें, उसने भी सोनाली की तबीयत खराब है, या सोनाली क्यों नहीं संपर्क कर पाई हमसे, वो हमें 8 बजे बताता है उनकी डेथ होने के बाद, पहले भी तो बता सकता था वो, उनको प्रॉब्लम थी भी सोनाली की तबीयत खराब है, रात के 2 बजे बता रहे हैं तबीयत खराब हुई थी। और उन्होंने टाइम बताया, उन्होंने हर बार अलग बयान दिए बात यह सुधीर सांगवान ने, मतलब इसी आधार पे कोई ना कोई कुछ गड़बड़ है, नहीं तो वो अगर सही होता अपनी जगह तो एक ही बार जो बात है वही रहती है, बार बार थोड़ी बदलती है, कोई इंसान 8-10 घंटे से बीमार है तो बात तो करवाता हो। उनको हॉस्पिटलाइज वगैरह करवाया गया था जब रात को 2 बजे तबीयत खराब हुई, उसमें क्या निकल गया? इस मैटर में मेरी सुधीर से बात नहीं, मेरे तो पास 8 बजे फ़ोन आया बस, मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैंने एक बार बात की, फिर मैंने उससे बात नहीं की, क्योंकि उसकी हर बात कोई बात हर बार अलग निकल के आ रही है हर बार। एक और बात इसमें निकल के आ रही है कि मतलब नशीला पदार्थ दे के कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं पहले की? नशीला तो ऐसे है भी, मेरे साथ तो मैंने माँ से बात हुई कि उनको लगा होगा बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई हुई खाना खाने के बाद, फील तो होते इंसान को, अगर बुखार भी आ जाए तो ही पता चल जाता है हमें, उनको एक दो बार फील हुआ होगा अभी खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती होगी, माँ से बात शेयर हुई। मतलब पहले भी कई बार हुआ ऐसा? कोई एक आधी बार हुआ ही, जब भी बात हुई है जी उनको फील किया है। नहीं, ये भी कह रहे हैं कि नशीला पदार्थ देखे जैसे दुष्कर्म वगैरह किए, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो उसमें कितने? ऐसी मेरे साथ कोई कभी कोई बात शेयर नहीं हुई, मेरे साथ कोई शेयर नहीं हुई कभी सोनाली, ना कोई ऐसा कोई बात आई। तो अब आपकी क्या मांग, मतलब सरकार से क्या मांग आप कर रहे हैं? मांग कुछ नहीं है, बस यही है, बस पोस्टमार्टम हो जाए, उनको ले आए और जांच होनी चाहिए अच्छे से बस। बिल्कुल, देखो परिवार की लगातार यही है कि CBI इस मामले की जांच हो, अच्छे से निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो सोनाली फोगाट हैं लगातार मतलब एक्टिव रहते थे और शरीर से फिट थी, इस तरह से एकदम से हार्ट अटैक से निधन होना, वो थोड़ा परिवार को बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए इनका लगातार यही मांग है कि अच्छे से इसकी जांच हो। और मतलब कल तक ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम, आज पोस्टमार्टम हो जाएगा और कल तक जो है
यहाँ पर अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। तो अब तक जो मामला है वो हमने आपको बताया और उनके भाई से पूछा, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।